तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सीड होते हैं हॉलीहॉक के, ये काले काले सीड होते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप अगर एक बार हॉलीहॉक के प्लांट ले आएंगे कहीं से नर्सरी वगैरह से, या आप सीड से भी ग्रो कर लेंगे, तो फिर आपको फ्यूचर में कभी भी हॉलीहॉक के सीड बाय नहीं करने पड़ेंगे, आपको इन्हीं सीड से काम चलता रहेगा। इन्हें आप किसी भी तरह के गमले में लें और डालकर उनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी कवर कर दें, तो उससे 10-15 दिन बाद हॉलीहॉक के आपको इस तरह से पौधे मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरे भरे हुए हैं हॉलीहॉक ही हॉलीहॉक के पौधे हैं। इन्हें आप अक्टूबर नवंबर में लगाएं, या फिर आप इन्हें लगाएं फरवरी की स्टार्टिंग में। अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम होता है फूल, लेकिन इनमें फरवरी लास्ट में ही आता है, फरवरी मार्च में, फरवरी लास्ट और मार्च अप्रैल। मेरे पास एक हॉलीहॉक के पौधे पर तो पूरा साल फूल आते रहे, नेक्स्ट ईयर भी उस पर फूल आए, तो ऐसे चलता काफ़ी है। ये लेट लगाएंगे, जैसे अगर फरवरी में लगाएंगे तो इससे आपको गर्मियों में भी फूल मिलते रहेंगे, मैंने ये महसूस किया है, मैंने जो ग्रो किया था। तो ये तो मैंने जस्ट अभी 15 दिन पहले जो सीड से ग्रो किए हैं वो हैं, और जो अक्टूबर नवंबर में लगाए हुए थे वो बड़े हो गए हैं। अभी चल रहा है फरवरी, आज 13 फरवरी है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितने बड़े हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी हॉलीहॉक के जो पौधे हैं ये वो हैं जो मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाए थे, अक्टूबर मिड में लगाए थे, और इन पर अब कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मैं करीब से दिखाता हूँ एक पौधे पर आपको, फूलों के पौधे बहुत हो रहे हैं तो बच बच कर जाना पड़ता है। देखिए एक पर कलियाँ दिख रही हैं, इसी तरह सब पर कलियाँ आ रही हैं, देखिए कितने हेल्दी हो रहे हैं ये, इनकी सेहत का क्या कहना। तो इस तरीके से ये लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चौथा महीना है, तीन महीने कहूँगा मैं, तीन महीने हुए हैं इन्हें लगाए हुए, तीन महीने बाद इनमें इस तरह का रिज़ल्ट है। इसके आप पत्ते देख सकते हैं कितने बड़े हैं, मेरे हाथ से भी बड़े पत्ते हैं, ये इतना हेल्दी है, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब ये छोटे हैं, अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे इसमें फरवरी के माह में, ये लगभग 6-6 फुट के हो जाते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की इन्हें आप डाइट दे रहे हैं, उसी डाइट के अकॉर्डिंग ये बड़े होते हैं। और फूल बहुत सुंदर आते हैं, अभी फूल आएंगे तो इसे अपडेट करेंगे। चलिए फूल आने तक इस वीडियो को हम यहीं पर पॉज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज 31 मार्च है, मैं काफ़ी दिन से फूल खिल रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि पूरी स्टिक दिखाऊं इसकी हॉलीहॉक की आपको, कि आखिरकार इस पर किस तरह के फूल लगते हैं, लेकिन पूरी स्टिक नहीं बन पा रही है, गर्मी तेज़ हो गई है, फूल नीचे के सूख जाते हैं और ऊपर के फूल चलते हैं। देखिए किस तरीके से ये ऊपर तक इसमें कर लिए हैं, ये जब मौसम थोड़ा ठंडे में ही आने लगते हैं फूल तो ये पूरी स्टिक बनती है, लेकिन अभी थोड़े गर्म में आ रहे हैं तो पूरी स्टिक नहीं बन रही है इसकी। आप देखेंगे कितना सुंदर कलर है मरून, तो ये मरून कलर का है, और इधर में आ जाएं हम तो ये पिंक कलर में है इसमें, और इधर पे भी पिंक है। इसमें कलर आपको बहुत मिलते हैं, वैरायटी बहुत मिलती है, ये देखिए लाइट पिंक में है ये, तो ये भी बहुत सुंदर है, और इसमें वाइट में आ जाएंगे, वाइट में शेड में कलर है। इस पर भी आप देखेंगे कि गलिए हैं, आज हवा बहुत तेज़ चली है तो ये झुक गए हैं, वरना ये बड़े अच्छे खड़े थे, लेकिन आप देखेंगे कि इनको सपोर्ट लगानी पड़ती है, मैंने सबको स्टिक से सपोर्ट दे रखी है, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा हो जाता है ऊपर में, जिससे कि गिर जाते हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आज हवा की वजह से थोड़े मूड़े तोड़े लग रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मूड़े तोड़े से हो रहे हैं, क्योंकि आज हवा बहुत तेज़ है। आप अभी भी देखेंगे कि अभी भी सारे प्लांट हिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कलर की कोई वे नहीं है, बहुत कलर आपको मिलेंगे, और रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कितने अच्छे लगते हैं ये फूलों से भरे हुए। अगर इन्हें आप ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ ये एक वॉल सी तैयार कर लें तो बहुत अच्छे लगते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक इन पर फूल आते हैं। छोटी छोटी शाखें आप देखेंगे कि यहाँ पे निकलने लगी हैं, ये छोटी छोटी शाखें हैं इनकी, इन पर भी फूल आएंगे, और ये इस तरीके से फूलों से पूरे भर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने एक पूरा गुलदस्ता ही लगा दिया हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस प्लांट को अगर लगाएंगे तो आपको भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। आपने देखा सीड से लेके फूल तक मुझे कैसा रिज़ल्ट मिला,
और मुझे बहुत खुशी हो रही है इन फूलों को देखकर। ये लगभग पिछले 15-20 दिन से खिल रहे हैं और अभी खिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।